नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अब हम एनजीओ के लिए एक पर्टिकुलर कोर्स शुरू करने जा रहे हैं और इस कोर्स के अंदर जो है हम आपको बेहतरीन जानकारियां वो प्रोवाइड करेंगे जिसके माध्यम से आप अपनी संस्था को बहुत ही ज्यादा ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, अपनी वर्किंग्स को बहुत ज्यादा जो है कारगर साबित कर सकते हैं। जिसमें हम पहले चैप्टर में बात कर चुके थे फंडरेजिंग एसेंशियल्स के बारे में कि फंडरेजिंग एसेंशियल्स होते क्या हैं। ध्यान रखिएगा, हम अपनी सर्विसेज को जल्द ही अपग्रेड करने वाले हैं और जो संस्थाएं अभी तक राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध नहीं हुई हैं उनको आगे ये सभी कोर्सेज जो है पेड रूप में मिलेंगे, या फिर जो भी हमारे लिसनर्स या व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको आगे हो सकता है ये सर्विसेज जो है पेड सर्विसेज के रूप में मिले। तो हम बात कर रहे थे कुछ सर्विसेज के बारे में कि कैसे हम फंड रेजिंग कर सकते हैं एनजीओ सेक्टर्स के लिए, नॉन प्रॉफिट फंड रेजिंग जो हम करते हैं वो हम कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे सामने तीन विकल्प थे कि भाई हम इंडिविजुअल रूप से जो है फंड रेजिंग कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर से फंड ले सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से फंड ले सकते हैं। ये तीन ही मौखिक रूप से मुख्य रूप से हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे कॉमन फंड रेजिंग एरियाज के बारे में और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको हम इस कोर्स के अंदर 7 सेक्शंस देंगे कि की फंड रेजिंग एरियाज कौन से हैं, रेस्ट्रिक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड फंड्स कौन से हैं, फंड रेजिंग प्लान्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक फंड रेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, बोर्ड या वॉलंटियर्स की इन्वॉल्वमेंट क्या होती है, करंट फंड रेजिंग ट्रेंड्स क्या क्या चल रहे हैं और साइकिल ऑफ फंड रेजिंग डेवलपमेंट क्या रहेगी। तो इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं अपना नया अध्याय इस सीरीज का और कोशिश करेंगे कि इस माध्यम से मैं आपको जो है बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड कर सकूं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। ध्यान रखिएगा, मैं आपका दोस्त और होस्ट एनजीओ गुरु आपका स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं की फंडरेजिंग सोर्सेज। सो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द की फंडरेजिंग सोर्सेज। आई एम योर होस्ट एंड फ्रेंड एस के यादव द एनजीओ गुरु। इन दिस सेक्शन वी विल रिव्यू सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ नॉन प्रॉफिट फंडिंग। नॉन प्रॉफिट फंडिंग के जो मोस्ट कॉमन सोर्सेज हैं आज हम उसके बारे में यहाँ पर इस सेशन के अंदर जो है जानने वाले हैं। चलिए जी, की फंडरेजिंग सोर्सेज। अभी तक मैंने आपको बताया था कि अभी तक हम गवर्नमेंट सेक्टर्स पर, सीएसआर सेक्टर पर और इंडिविजुअल्स पर डिपेंडेंट होते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। की फंडरेजिंग सोर्सेज बहुत सारे होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 9 मेजर डिफरेंट फंडिंग सोर्सेज इन दिस सेक्शन। सो व्हाट आर द की फंडरेजिंग सोर्सेज वी हैव फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ देम वी कैन अरेंज मनी फॉर आवर सोशल वर्क्स। सो we will discuss about one by one for the same. First of all, this is major or individual donors. Individual donors जो कि major donors के रूप में जाने जाते हैं, इनके माध्यम से हम funds generate कर सकते हैं। Second one is capital campaign. Through capital campaign we can also arrange money for our social work. Third one is annual appeal or campaigns. We can arrange our non-profit fundings through annual appeals and campaigns. We can arrange fundings from special events. We can arrange fundings through plan giving. We can arrange funds through peer-to-peer. We can arrange funds from organizations and institutions and foundations. We can arrange funds from government entities. And last one, we can arrange funds from sale or fee of services. ध्यान रखिएगा, हमारे पास 9 माध्यम हैं अपनी संस्था के लिए धन अर्जित करने के, अपनी संस्था के सामाजिक कार्यों के लिए पैसा इकट्ठा करने का। एक जो हम जनरल लोगों से जो है हम डोनेशन लेते हैं जिसे हम जो है क्राउड फंडिंग भी कहते हैं, हम कई बार पब्लिक फंड भी इसको नाम दे देते हैं। तो पब्लिक फंड हो गया, दूसरा हो गया आपका कैपिटल कैंपेन। कैपिटल कैंपेन होता है हमारे किसी विषय वस्तु के लिए, मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा इनको जो है डिटेल के अंदर। तीसरा जो है एनुअल अपील कर सकते हैं, हम कैंपेनिंग कर सकते हैं एनुअल जो है एक्सपेंडिचर्स के लिए। हम स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं फंड जनरेट करने के लिए। हम प्लान गिविंग जो है अरेंज कर सकते हैं फंड जनरेट करने के लिए। हम पीयर टू पीयर सेक्शन अरेंज कर सकते हैं फंड जनरेट करने के लिए। हम इंस्टीट्यूशंस फाउंडेशन से, यानी कि जो हम सीएसआर ग्रांट लेते थे या हम मदर एनजीओ से जो ग्रांट लेते थे उस माध्यम से भी हम जो है फंड जनरेट कर सकते हैं। हम गवर्नमेंट एंटिटीज से भी फंड जनरेट कर सकते हैं, यानी कि सरकार के जो उपक्रम होते हैं उनके माध्यम से भी हम फंड जनरेट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन, क्या हम जो है हम
सेल्स एंड फी ऑफ सर्विसेज से भी जो है फंड जनरेट कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी वस्तु की खरीद फरोख्त और जो है कोई भी सेवाएं हम प्रदान करके जो है अपनी संस्था के लिए फंड जनरेट कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में बहुत ही बारीकी से। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर, मेजर और इंडिविजुअल डोनर्स। सो व्हाट अबाउट द मेजर एंड इंडिविजुअल डोनर्स? मेजर एंड इंडिविजुअल डोनर्स अकाउंट फॉर मेजोरिटी ऑफ फंडिंग। Designations amount determined by each non-profit. About 10-20% of our donors are the major donors, accounting for 80% or more of total funding. They should receive a highly personalized attention. Always remember one thing: all individual donors may be the major donors, but all the major donors may be the individual donors, but all the individual donors must not be the major donors. We have to listen one thing: persons giving less than a major gift amount are called always individual donors, and they should receive more generalized attention via larger events or direct email. हम बात कर रहे हैं major donor और individual donors के बारे में। ध्यान रखिएगा, आपका हर एक individual donor आपके लिए major donor हो सकता है, सिर्फ आपको उसको convert करना आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मेजर डोनर हमें बहुत बड़े अमाउंट में, बल्क अमाउंट में जो है फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। सभी प्रकार के जो सामाजिक कार्य होते हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है डेजिग्नेशन के अनुसार इनको जो है डिटरमाइन किया गया होता है। ध्यान रखिएगा, हमारे सभी डोनर्स में से 10-20% डोनर्स जो है मेजर डोनर के रूप में उभर कर आ सकते हैं, जो कि हमारी टोटल जो जरूरत है, हमारी जो फंडिंग की जो आवश्यकता है, उसका 80% ही अकेले कवर कर सकते हैं मेजर डोनर। तो दे शुड रिसीव हाईली पर्सनलाइज अटेंशन। ध्यान रखिएगा, ऐसे मेजर डोनर को हाईली पर्सनलाइज अटेंशन की जरूरत होती है। उनको आप हाईली पर्सनलाइज जो है अटेंशन दें, यानी कि उनको आप जो है पहले प्राथमिकता जरूर दें। इंडिविजुअल डोनर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा मेजर गिफ्ट अमाउंट है वो उससे हमेशा कम देते हैं। मान लीजिए हमने किसी भी प्लान के लिए, किसी भी फंडिंग्स के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए हमने कोई बजट तय किया था, भाई इसमें अगर 500-500 रुपए सब कंट्रीब्यूट कर देंगे तो प्रोग्राम कंडक्ट हो जाएगा, तो ये इंडिविजुअल डोनर्स होते हैं वो उससे भी कम अमाउंट जो है गिफ्ट करते हैं आपको। लेकिन डोनर्स हमारे लिए बराबर है, इनको भी आपको अटेंशन देनी है, लेकिन लार्जर इवेंट्स में, यानी कि आप जो है बल्क में इनको जो है अटेंशन दे सकते हैं। एक मीटिंग के दौरान आप इनको सबको इकट्ठा बुला सकते हैं, इनको अटेंशन दे सकते हैं, या फिर एक डायरेक्टली ईमेल आप इनको डाल सकते हैं। तो इंडिविजुअल डोनर्स को जो है ज्यादा हाईली पर्सनल अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल डोनर्स को हाईली पर्सनल अटेंशन दे रहे हैं तो वो मेजर डोनर में जरूर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो डिपेंड आपके ऊपर है कि हम सामने वाले को कैसे जज करें। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैपिटल कैंपेन। व्हाट अबाउट द कैपिटल कैंपेन? इट ऑफकोर्स over a defined period of time to acquire or improve a physical asset, to construct a new building or to purchase any equipment. So, capital campaign क्या होता है? जैसे हमें कोई नई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए जो हम धन अर्जित करते हैं, जो हम फंड इकट्ठा करते हैं, वो कैपिटल कैंपेन के अंदर आता है। हम मान लीजिए कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, हमारे पास मान लीजिए हॉस्पिटल है, या फिर हम स्वास्थ्य सेवाओं में जा रहे हैं, तो हमें एक जो है एम्बुलेंस चाहिए, तो हम उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करें वो कैपिटल कैंपेन के अंदर आता है। तो इस प्रकार की कैंपेनिंग भी हम कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम जो है डोनर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कैपिटल कैंपेन में डोनर जो है देने में सुविधाएं देखता है, क्योंकि आपको उसने जो डोनेशन दिया उसके बदले में आपके पास वो सामान अवेलेबल है, इससे उसको संतुष्टि होती है कि उसका दिया गया डोनेशन जो है बेकार नहीं गया। सो कैपिटल कैंपेनिंग इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल कैंपेनिंग। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड वन, आवर एनुअल अपील कैंपेन। So, what are the annual appeal campaigns? When we ask for yearly donation, typically via direct mail or other communications. Donations made in lump sum or installment. These donations are made in lump sum or installments. So, these donations are made for the to support general operations like salaries, supplies and equipments all. So, annual appeal, वो campaign होता है जिसके माध्यम से हम जो अपने सालाना खर्चे हैं उनके बारे में हम लोगों से अपील करते हैं। हमें सैलरीज के लिए जो है, हमें ऑफिस के किराए के लिए, इन सब चीजों के लिए जो हमें फंड चाहिए होता है, वो एनुअल अपीलिंग के अंदर जाता है। तो ये भी एक माध्यम है डोनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। तो वो उसमें जो है आपको पर मंथ सैलरी के रूप में, किस्तों में, या कैसे भी आपको जो है भुगतान कर सकते हैं।